आज फिर से एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बिजनेस को कैसे करके आप महीने के लाखों रुपए अपने शहर, अपने गांव और अपने सिटी से कमा सकते हैं, अपने घर से कमा सकते हैं। ये हर वो कोई कर सकता है जो बिजनेस के लिए इच्छुक है, चाहे वो 9 से 5 का जॉब करता हो और उससे फ्रस्ट्रेट हो चुका हो और वो चाहता है कि अपना कोई बिजनेस हम लोग स्टार्ट करें, तो उसके लिए भी ये बिजनेस है। ये जो पढ़ा लिखा है वो भी स्टार्ट कर सकता है, जो अनपढ़ है, जो नहीं पढ़ा लिखा है, वो भी इस बिजनेस को पकड़ सकता है। ये हर घर की जरूरत का बिजनेस है, हर घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट का ये बिजनेस है। तो चलिए इस बिजनेस मॉडल को हम लोग समझते हैं कि इस बिजनेस को कितने रुपए में कर सकते हैं, कहाँ से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और कहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलेगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग इन डेप्थ पूरी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कितना आपको मुनाफा हो सकता है, कितने परसेंट का, इन डिटेल सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमें हेल्प मिले और मोटिवेशन कि अच्छे बिजनेस आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकें। यहाँ से बिजनेस का आइडिया आप ले करके अपनी बिजनेस की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने रीजन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। तो चलिए इस बिजनेस मॉडल को हम लोग समझें। तो आज का जो हमारा बिजनेस है वो मसाले का बिजनेस है, हर घर में और पर डे का यूज होने वाला प्रोडक्ट है। मसाले का काम हर घर में, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर कोई यूज करता है अपने खाने में डेली बेसिस पे। तो इसका जो मार्केट है ये बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। आप नहीं समझ सकते हो कि इसमें मैं अगर बात करूं तो 1,000 करोड़ के बिजनेस लोग इस्टेब्लिश कर चुके हैं केवल एक मसाले ब्रांड से। तो आप भी अपने शहर में, अपने रीजन में, अपने गांव से इस बिजनेस को कर सकते हैं। इसमें कोई ब्रांड का लोगो नहीं लगा हुआ है, 1-2 ब्रांड चलते हैं जैसे एवरेस्ट हो गया और आपके गोल्डी मसाला हो गया, 2-3 ब्रांड जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका ब्रांड नहीं चल सकता है, आपका भी काम हो सकता है इसमें। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इस बिजनेस में कैसे करें कि हमें डे 1 से ही प्रॉफिट बनने लगे। तो उसके लिए आपके पास एक तो मशीन होनी चाहिए जिसमें आपकी मसाले की सारी मिक्सिंग होगी, तो मिक्सर मशीन होना ज़रूरी है। और पैकेजिंग अगर है तो बेल्डन है, नहीं भी है फिर भी आप मैनुअल पैकिंग कर सकते हो। तो आप इस मशीन की अगर बात करें तो 20-35 हज़ार रुपए के बीच में ये मशीन आ जाती है, मिक्सर जिसमें मिक्स होगा सारे मसाले, आप इंग्रेडिएंट डालोगे तो वो फाइनली उसको मिक्स करेगा क्रशर की तरह और उसको पाउडर जो बन जाएगा उस पाउडर को आप क्वांटिटी में नाप के भी कर सकते हो या उसके लिए भी पैकेजिंग मशीन आती है, वो भी आपको 10-15 हज़ार में बेसिक मिल जाती है छोटी सी, तो आप पैकेजिंग भी उसके थ्रू कर लोगे। आपको पैकेजिंग के लिए जो आपकी पॉलिथीन की हो या आप जिस भी तरीके की पैकेजिंग चाहते हो उसके लिए बहुत सारे सप्लायर हैं, तो पैकेजिंग के लिए आप पैकेट वहाँ से मंगा सकते हो और उस पैकेट से पैकेट बनाने के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर सप्लायर हैं, तो उनसे आप कनेक्ट करने के लिए इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया पे जाकर के क्वेरी डालोगे, गूगल पे जाकर सर्च मारोगे तो वो मिल जाएंगे आपको। तो पैकेट आपको बना के वो दे देंगे, जिस भी ब्रांड जिस भी नाम से आप चाहोगे, तो आपका जो भी इंटरेस्ट हो कंपनी का उस नाम से आप पैकेट बनवा सकते हो। जैसे अशोक मसाला चल रहा है तो अशोक लिखा रहता है, आप पे राहुल लिख सकता है,
अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अतुल के नाम से चला सकता हूं, अतुल इंटरप्राइजेस का रजिस्ट्रेशन करा के। तो इस तरीके से आप पैकेट भी मंगवा लोगे और आपके पास माल भी बन के रेडी है। उसकी पैकेजिंग कराओगे पर पैकेट आपको 50 पैसे बचेंगे। तो ये 50 पैसे देखने में आसान है, लेकिन जब आप इसको मल्टीपल टाइम में कलेक्ट करते हो तो ये एक बड़ा बिजनेस बन जाता है। और इसको आप आसानी से, अगर 1,000 तो बिक ही जाएगा प्रोडक्ट, तो 500 से 700 रुपए आप डे वन से ही कमाना स्टार्ट कर सकते हो। और इसका मार्केट जितना इन्फिनेटिव है, आप जहां आंख उठा के देखोगे वहां आपके कस्टमर और मार्केट है। इसकी सप्लाई आप चैन बेसिस पे कर सकते हैं, जितने शॉप हो गए, जनरल स्टोर हो गए, बड़े मॉल हो गए, हर जगह पे आपके प्रोडक्ट लग सकते हैं। आप डायरेक्ट भी इन टू इन कस्टमर को भी सेल कर सकते हो, जैसे बड़े रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हो गए, ढाबा हो गए, जहाँ पे ज़्यादा मसाले की यूज होती है वहाँ पे आप बल्क मसाले का भी सप्लाई कर सकते हो। तो ये बिजनेस जो है, इसके लिए आपको केवल 300 से 500 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए जहाँ पे इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सको। या आपका घर हो सकता है, गोडाउन हो सकता है, मतलब कहीं से भी इसको किया जा सकता है। इसके लिए आप 1 से 2 मैन पावर रख लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। और महिला भी ये काम कर सकती हैं। तो आप जो बेरोजगार गांव घर के या आसपास की महिला हैं, उनको आप पिक करके उनसे काम करवा सकते हो। इसमें राउंड फिगर जो आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट आएगा वो 50,000 रुपये में बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है दोस्तों, लघु उद्योग के द्वारा आपको लोन भी मिल सकता है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम के तहत आप एप्लीकेबल हो, ले सकते हो फायदे, जहाँ पे आपको 20-25% से लेके 35% तक का रिलीफ मिल सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 25, और दूसरी कैटेगरी में हैं तो गवर्नमेंट और स्टेट के ऊपर वेरिएट करता है, फिर भी आपको 35% तक की सब्सिडी तो आसानी से मिल सकती है। तो इसको कहीं से भी आप स्टार्ट करके अच्छी अर्निंग स्रोत बना सकते हो, और ये जिंदगी भर चलने वाला बिजनेस है, ये कभी खत्म नहीं होगा दोस्तों। तो इस बिजनेस को आप करके अपने शहर, अपने एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, और एक हेल्दी अर्निंग स्रोत बना के अपनी जिंदगी को, परिवार की जिंदगी को भी बेहतर कर सकते हो। इसमें जो कंपटीशन है वो 0% का है, तो आपके बहुत बड़े कंपटीटर नहीं हैं। अगर आप लोकली हो तो आपके व्यवहार, आपके जो लोकलिटी रिलेशन है वो ज़्यादा मजबूत होता है। तो आप इसको शॉप पे भी देके आसानी से अर्निंग स्रोत कर सकते हो। 50 पैसे पर पैकेट, 2 रुपए का मसाला कम से कम जाता ही है, 2 से नीचे का मसाले के पैकेट नहीं आते हैं। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी वो 50 से 75 पैसे के बीच में आएगी। तो 1 रुपए में मैं डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को रख रहा हूँ, तो आपको पर पैकेट 50 पैसे तो मिलेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मशीनरी की और जानकारी चाहिए कि कहाँ से मिले, कौन से प्राइस में आना चाहिए, बेहतर क्या होता है, मशीन की क्वालिटी बेहतर क्या होती है, वो सारी चीज़ें इन डिटेल भी मिल जाएगी आपको। कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, और जो कांटेक्ट दिया है उसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू, जय।